अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने जो है पेन रनिंग शुरू की है। मैंने एक तस्वीर ली है जो स्कल्पचर की है, आप उन्होंने देखी होगी म्यूज़ियम में या यूरोप साइट पर, जहाँ पर वो बड़े रियलिस्टिक स्कल्पचर बनाते थे मार्बल में। तो वो उसको मैंने लिया है इसके अंदर, और मार्बल की जो तस्वीर है उसको लेने का मकसद यही है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है, तो हाईलाइट्स और डार्क्स लगाने में बड़ा मज़ेदार लगता है वो। तो वो मैंने इसमें से रेफरेंस लिया। आप लोग किसी भी तरह का रेफरेंस ले सकते हैं इसमें, चाहे आप बिल्डिंग ले लें, या आप कोई फूल की तस्वीर ले लें, या किसी का फेस बनाना चाहते हैं तो आप वो ले लें। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पेन एंड इंक कहलाएगी। इसमें हम लाइंस के थ्रू जो है वो डिफाइन करेंगे चीज़ों को, दो तरह के कलर्स में अप्लाई करेंगे इसके अंदर। हम लाइंस के थ्रू सारा डिफाइन करना होता है हमको, तो इसमें बस थोड़ा ख्याल ही रखना होता है कि चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा लग जाएँ तो वो फिर ठीक ज़रा मुश्किल से होती हैं। तो ज़रा लाइन जो आप दें तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ और प्लान करके कि हमें इस तरह से करना है। और ये एक्सरसाइज करने का मकसद यही होता है कि जो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो, और आपको पता हो कि आपको कितना काम करना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ों का पता चलता चला जाएगा। इसलिए कि जब मैंने देखा बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ओवर डू कर देते हैं, तो जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने लगेंगे खुद ही से, जब आप काम करेंगे कहाँ में ज़रूरत है काम करने की और कहाँ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके दूसरे एक्सरसाइज में बहुत आपको हेल्प करेगी। तो पेन एंड इंक जो है ये असल में जो एचिंग, ये हिचिंग कहते हैं उसको, उसमें अप्लाई होती है। और ड्राइंग्स में मास्टर्स किया करते थे, जो पुराने मास्टर्स थे वो काम किया करते थे, पर बाद में पाकिस्तान में बहुत लोगों ने इसको कैरी किया है लाइन के थ्रू चीज़ों को जो है वो। एचिंग जो है वो तो आपको पता ही होगी, वो प्रिंट मेकिंग के अंदर की जाती है। जिंक प्लेट के ऊपर चीज़ को एच किया जाता है, इंग्रेव किया जाता है, फिर उसका प्रिंट निकाला जाता है। वो आपने किया वो कोई यकीनन, तो वो एक डिफरेंट सी चीज़ है, लेकिन इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हम किस तरह चीज़ों को एंड तक लेके जाएं। तो ये एक सिंपल सी तस्वीर मैंने पिक की है। इसके अंदर हम मैंने ये किया है कि कलर शीट ली है, और इसके अंदर हमने मैंने थोड़ा, मुझे कलर लाइट लग रहा था तो मैंने एक ब्राउन बन सियाना जो है वो एक्रिलिक का कोट लगा दिया ताकि ये डार्क हो जाए। तो उसमें चीज़ें जब हम वाइट कलर्स पे अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह से इनहेंस होगा। अभी हम सिर्फ एक सिंपल ब्लैक कलर को अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो फर्दर समझ में आने लगें। तो ये जब ये थोड़ा थोड़ा बिल्ट होगा तो फिर आपको देख के मज़ा आएगा जब चीज़ बनने लगेगी। इसमें पेन और इंक का तरीका ये होता है कि जहाँ आपको डार्क चाहिए वहाँ लाइंस को बहुत करीब करीब कर देते हैं, डिस्टेंस कम कर देते हैं, और जहाँ आपको लाइट शो करनी है वहाँ आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, तो वो गैप बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो लाइट लगने लगता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ब्लैक एंड वाइट पेंसिल से या चारकोल से आपने काम किया होगा, ये ऑलमोस्ट उसी तरह की चीज़ है।
मैं इसमें जो सबसे डार्कर पोर्शन है उनको मैं कर रहा हूँ ताकि इसमें हमारी डेप जो है वो डिफाइन होना शुरू हो जाए। इस तरह से देखिए जो डार्क पोर्शन है जो जहाँ पर लाइट कम आती है उसको मैं पहले डार्क कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो है वो आप वाइट जेल वाला पेन भी आप अप्लाई कर सकते हैं हाइलाइट्स के लिए, और मैं जो करूँगा वो वाइट गुआश से करूँगा इसलिए मेरे पास वाइट पेन नहीं है जेल वाला। तो जिसके पास नहीं है वो पोस्टर कलर या वाइट कलर का भी कलर वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर। असल में एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए, अब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो फिर आपकी आपको चीज़ों का पता चलता है कि यार ये मीडियम तो हम इसमें भी अप्लाई कर सकते थे। इस तरह गुआश के बारे में मुझे पहले कभी नहीं पता था कि गुआश जो है वो हर सरफेस पे हो जाता है, कैनवस पे भी हो जाता है, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो तो हर सरफेस पे हो जाता है, तो फिर मैंने कैनवस पे भी और वाटर कलर पेपर पे तो होता ही है तो कैनवस पे भी अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें ट्राई करूँगा पहली दफ़ा कि कैसा रिज़ल्ट देता है। थोड़ा सा हम वाइट अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट इस पर आ रहा है। इसके लिए आपको बिल्कुल थिन ब्रश चाहिए होगा ताकि इसकी लाइंस हैं वो प्रोमिनेंट हो सके। जो बिल्कुल छोटा सा ये ब्रश है ना वन नंबर का, कितना ज़बरदस्त इस पर वाइट इन्हेंस कर रहा है।
देखिए वाइट लगाने से कितना ज़बरदस्त उठ के आ रहा है वो। Thank you.
इसमें काफ़ी आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसलिए भी ऑलमोस्ट काफ़ी डिटेल्स आ चुके हैं इसके अंदर।
ये पेन भी मुझे मिल गया है, मैंने थोड़ा पेन से भी मेरे का थोड़ा सा कर लूँगा। सही है कि थिन लाइंस भी आ जाती हैं।
जितना डार्क करना हो आपको उतनी ही लाइन इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये डार्क होती जाएगी और डेप्थ आती जाएगी। इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि अगर आपको थोड़ा सा डार्क करना है आप इसमें एक टोन डार्क लेके भी ऐड कर सकते हैं ताकि और अच्छा हो जाए, हो भी सकता है, करके आपको दिखा देता हूँ। आप वो कहेंगे कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं लेकिन आइडियाज़ आते रहते हैं तो आप चीज़ें कर सकते हैं थोड़ी बहुत। इसमें थोड़ा सा आप बर्न साइना या बर्न टम्पर लेके हल्का सा अगर ऐड करेंगे तो ये इस तरह से हल्का सा एक टोन देके आप इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी। तो ये आप लोग देखें इसको और फिर इसको ट्राई करें और इसमें कोई भी तरह का रेफरेंस आप दे सकते हैं।